की बड़ी खबर। हाल ही में मां शिवरात्रि का मेला बड़ी धूमधाम से गोंदिया जिले के मोरगा अर्जुनी तहसील के आने वाले प्रतापगढ़ में मनाया गया। यहां लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन लिए, जिसके चलते पुलिस प्रशासन का बड़ा बंदोबस्त इस जगह लगाया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से ये बंदोबस्त छुट्टियां मनाने का बंदोबस्त देखने को मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाला किसी चिकन की दुकान में चिकन खरीद रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी यहां वाहन चालकों से रसीदें कटवा रहे हैं। पुलिस विभाग के ट्रैफिक पुलिस वाला इस जगह भी वाहन चालकों को छोड़ नहीं रहे हैं। जगह जगह पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बजाने के बजाय आराम फरमा रहे हैं। आइए जानते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। इस वक्त प्रतापगढ़ के लगभग कैंप ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां हमने अभी एडिशनल डिवाइस पी और इन लोगों से संपर्क किया और उनसे हमने यहां जो बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किया जाता है, पुलिस बंदोबस्त की जानकारी लेने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो जानकारी देने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यहां के जो पुलिस बंदोबस्त की जानकारियाँ हैं वो उन्हें बतानी नहीं थी। जैसा कि उन्होंने 5 चेकपोस्ट बना के रखी हुई है, 5ों चेकपोस्ट पर हम जब पहुँचे तो वहाँ पुलिसकर्मी नदारद थे। जैसे कि हमने अभी जब हमने बताया कि जिस तरीके से हमने उनसे इस जानकारी के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जो कुछ हमने ये किया, तो यहाँ केवल पुलिस प्रशासन की ओर से दिखावे के तौर पर यह बंदोबस्त किया गया हुआ था। लगभग यहाँ का सारा जो मौजूद पुलिस विभाग का स्टाफ है वो यहाँ केवल और इस यात्रा में मनोरंजन के तौर पर आते हैं और बाकी उनका कोई दूसरा अलग मस्तक नहीं होता है। देखिए, इस जगह अग्निशामक दल की गाड़ियां बुलाई गई थी, लेकिन अग्निशामक की कर्मचारी नदारद है, केवल दिखावे के लिए यह गाड़ी रखी गई थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।